मध्य प्रदेश के इंदौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मी और आशा उषा कार्यकर्ता जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी का शोरगुल और हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां लेकर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी जहाँ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं, जहाँ क्रमिक भूख हड़ताल करते हुए उन्होंने कहा कि वेतन वृद्धि नियमितीकरण और उनके साथियों पर बीते दिनों हुई पुलिस कार्रवाई वापस लेने की गुहार उन्होंने शिवराज सरकार से लगाई है। कार्यकर्ता भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हैं। जनसेतु संवाददाता सतीश शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी और आशा उषा कार्यकर्ताओं से हड़ताल को लेकर चर्चा की है। देखिए रिपोर्ट। आगामी समय में मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल मचने वाली है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले आशा उषा कार्यकर्ता और संविदा स्वास्थ्यकर्मी क्रमिक रूप से अलग अलग तरह से हड़ताल पर हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी बात यह है कि इंदौर के CMHO कार्यालय के परिसर में 2 मोर्चे एक साथ बैठे हुए हैं, अलग अलग मांगे हैं, कहीं ना कहीं सरकार से ये रूठे हुए हैं। लंबे समय से आप सरकार से मांग कर रहे हैं नियमितीकरण के साथ, कई तरह की मांगे हैं, लेकिन आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही है? सर वो तो मामा जी बता सकते हैं। जैसे हम लोग 2425 साल से काम कर रहे हैं, अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, कोविड में ही फ्रंट लाइन पे काम किया हम लोगों ने, और हर बार हड़ताल करते हैं हम लोग, महीनों बैठे रहते हैं, सिर्फ आश्वासन देकर उठा दिया जाता है। अब क्या रहेगा आज निश्चितकालीन भूख हड़ताल? सर क्रमिक भूख हड़ताल हम लोगों की रहती है, और इनमें से जैसे स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमराएगी उसकी जिम्मेदारी, और हमारे में से किसी को कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आश्वासन तो पिछली बार भी मिला था आपको। जी सर, तो आश्वासन ही मामा ने हमेशा से आश्वासन ही दिया है, पर अब आश्वासन ही आदेश चाहिए हमको। कितने लोग होंगे जो क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं? हमारे यहाँ इंदौर से 900 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं जो भूख हड़ताल यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और हमारी क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। क्या धोखा हुआ है आपके साथ? जरूर हुआ है, धोखा ही हुआ है हर बार। जितनी भी बार हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, हमें लॉलीपॉप पकड़ा दी गई है आश्वासन की, और हमें ये कह के उठा दिया गया है कि हम आपके कार्यों की मांगों को, जो भी आपकी मांगे हैं उनको उचित हम बराबर आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। हमको हर बार लॉलीपॉप दे के आश्वासन दे के उठाया गया है। चुनाव आया फिर से? जी, इसीलिए हम लोग वापस बैठे हैं। इस बार आश्वासन नहीं, पूरा आदेश लेके उठेंगे। भूख हड़ताल पर हो तबीयत भी खराब हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। आप खुद ही देखिए, अगर स्वास्थ्य अधिकारी या कर्मचारी भूख हड़ताल पर है, उनकी तबीयत खराब होती है, तो बाकी जनता की देखभाल कौन करेगा? ये सोचने वाली बात है। आगे का क्या एक्शन प्लान रहेगा आपका? सर हम लोगों का वाहन रैली से हम लोग भोपाल भरो आंदोलन करेंगे। तो वाहन रैली भी निकलेगी, होली भी जल चुकी है, तमाम तरह से काली पट्टी भी बांध चुके हैं, और भूख हड़ताल भी जारी है, और देख रहे लंबे समय से आप यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं, क्या नारेबाजी ही रहेगा कि और कुछ कोई बड़ा प्लान भी है? नहीं, जाहिर सी बात है कि ये हड़ताल जो है सालों से चल रही है, और अभी तक सिर्फ आश्वासन दे के रखा गया है हम सभी संविदा कर्मचारियों को, और अब तो हर एक अधिकारी और मंत्री जी को भी ये बात पूर्णतः विगत हो गई है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हमारी हड़ताल निरंतर जारी रहेगी, और जब तक स्पष्ट आदेश नहीं आ जाते ये कंटिन्यू बना रहेगा। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मी वह लोग होते हैं जो जब आप अस्पताल में जाते हैं, परेशान होते हैं, तो आप कोई जो प्राथमिक उपचार होता है संविदा स्वास्थ्य कर्मी ही आपको उपचार देते हैं, एक घर की तरह माहौल देते हैं, हर तरह से आपकी केयर करते हैं। आपको बता दें इंदौर शहर ही सहित शहर के साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ ही समय बीता होगा यहाँ पर इन्होंने अपने जो प्रशस्ति पत्र थे उसकी होली भी इन्होंने जलाई है, मानव श्रृंखला भी यहाँ पर बना चुके हैं, और काली पट्टी भी बांध चुके हैं। ऐसे तमाम तरह से क्रमिक रूप से यह आश्वासनों के दौर में हड़ताल इनकी हो रही है। वहीं आपको बता दें दूसरी ओर ये जो नारेबाजी हो रही है, ये नारेबाजी जो आशा उषा कार्यकर्ता है यह भी हड़ताल पर है। एक तरफ संविदा स्वास्थ्य कर्मी, दूसरी ओर आशा उषा कार्यकर्ता। क्या कहेंगे, शोषण हो रहा है? तो सर जैसा कि हम 15 मार्च 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री महोदय को लगातार हर जिले हर जगह से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री महोदय हम आशाओं की सूद नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि हम जिस डिपार्टमेंट के बाहर बैठे हैं उन्होंने भी हमारी हड़ताल खत्म करने के लिए कोई पहल नहीं किया। हम लोग मजबूर होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आज 35 दिन हो गए हैं। इसी हड़ताल के दौरान हम लोगों ने अलग अलग दिन पर अलग अलग एक्टिविटीज़ की, और यहाँ पर संकल्प दिवस मनाया गया, तब भी हमारी सूद लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। आज हमें हड़ताल करते हुए पिछले
35 दिन हो चुके हैं परंतु हमारी कोई मांगे मानी नहीं जा रही है। एक तरफ मामा जी लाडली बहन योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आशा कार्यकर्ता जो ज्ञापन देने जाती मामा जी को मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, तो आशा कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज कराया जाता है, उनके ऊपर कोर्ट केस किया जाता है, उनको धमकियां दी जाती कि आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं कि पहले नौकरी पे तो हमें सांसदीय कर्मचारी का दर्जा तो दिया जाए, तब हमें नौकरी से निकाले। हमारी मुख्य मांग है कि आशा कार्यकर्ताओं को अन्य राज्य सरकारों की तरह 10,000 रुपये आशा को, पर्यवेक्षक बहनों को 15,000 रुपये दिया जाए, और जब तक कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है, और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने पे 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, तो नहीं दिया जाता है, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखेंगे और 25 अप्रैल से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो ये मांगों की लड़ाई है, अपने विभिन्न अपने हक की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें आशा उषा कार्यकर्ताओं के साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मी सहित तमाम ऐसे संगठन और तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकार से अलग अलग मांगों को लेकर अपनी हक की लड़ाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आशाओं का शोषण बंद करो, आशा और पर्यवेक्षक को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, ऐसे तमाम तख्तियाँ लेकर ये आशा उषा कार्यकर्ता है जो पहले भी कई बार यहाँ पर अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर चुकी है। सतीश शर्मा, इंदौर।